नया थिंग जो हमारी जिंदगी में बचा हुआ आज से शुरू हो रहा है। हम लोग बहुत लोग यही कहते हैं कि अरे ऐसा तो बहुत सारा प्रोग्राम हुआ, क्या होता है आप बताइए। तो जब हम सरकार बदलते हैं तो ये सोच के तो बदलते हैं कि नया सरकार आएगा तो कुछ होगा नया। अगर हम नेगेटिव ही सोच लेंगे क्या होगा, यहाँ से जाएंगे हम दो दिन का प्रोग्राम तो केवल काटने के लिए अगर हम जा रहे हैं या हमको किसी तरह दो दिन उसको काट देना है तो गुजार देना है, इट मीन्स कि ये फ्रूटफुल नहीं होगा। हमारे हाथ में जो है वो हमको करना है, उनको क्या करेंगे वो क्या नहीं करेंगे ये हमारी हमारे बस की बात नहीं है। हमको वो करना है जो मेरा दिल कहता है, हमारा मन ये कहता है कि हम लोग यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहले भी कर रहे हैं लेकिन और थोड़ा सा फर्निश हुआ है और थोड़ा सा क्लियरिटी आया और उसको जाकर हम अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। देखिए हम हर लोगों से उम्मीद करते हैं, हम देश के जवान से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की रक्षा करें। आई एक भी जवान अगर हमको ये सुनाई पड़ जाता है कि उसने घूस लिया है या वो देश के साथ गद्दारी करता है तो हम लोग को कितना दुख होता है, हम लोग को इनसिक्योरिटी फील होता है कि एक जवान ऐसा कर रहा है देश का तो तब तो देश गया। आप हम अगर ये सोचें कि टीचर हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसका एहसास शायद हम लोग को नहीं है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर देश को बनाया गया टीचर ही बनाया, अगर जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर नहीं आएगी आप देखिएगा कितना भी होने वाला कुछ हो जाए कुछ होने वाला नहीं। एक क्लास टू का बच्चा टू से थ्री में जा रहा है, मैं गोल की बात कर रहा हूं, जब हम लोग वहां डिस्कस करते हैं लोग बोलते हैं लोग 50 प्रश्न करने दीजिए क्या होगा, क्या गोली मार देंगे क्या। आप सोचिए क्लास टू का बच्चा टू से थ्री में जा रहा है, वो पढ़ना नहीं जानता, उसका दोषी कौन है। अगर वो बच्चा रेगुलर स्कूल आ रहा है उसका सबसे बड़ा दोषी टीचर होगा, गार्जियन नहीं होगा तो स्कूल भेज रहा है। एक बच्चा टू से थ्री में गया अपनी फीस नहीं लिख पा रहा है जिसमें यहाँ बताया गया ओएसी और दैट इज रीडिंग फीडिंग जो भी है, ये सब तो क्या है, हमको इम्पोर्टेंट है हमारा क्यों वाह कैसे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इंग्लिश में कहावत है कि एक उनसे क्या नाम था जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, हेनरी फोर्ड ने क्या कहा था, इफ यू थिंक यू कैन डू इट यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू इट यू आर आल्सो राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसे कर सकते हैं तो भी आप सही हैं और आप इसे सोचते हैं कि आप इसे नहीं कर सकते हैं तो भी आप सही हैं। इट मींस कि इफ यू थिंक कि हमसे नहीं होगा जाएंगे तो जैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज होगा सामने वाला वैसे हमको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हम एग्रेसिवली जाएंगे। आज हम विराट कोहली को खेलते हुए देखते हैं एग्रेसिवली अच्छा लगता है, सुस्त कैप्टन रहेगा तो क्या लगेगा, क्या कैप्टन है यार देश के ऊपर बोझ हटा उसे। आज हम जाएंगे वहां पर ट्रेनिंग देके लेकिन हमारे अंदर लेजीनेस रहेगा, हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं है इस थ्योरी को लेकर तो सामने वाला क्यों हमको एक्सेप्ट करेगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ गारंटेड आप हम लोग जाएंगे हम लोग कॉन्फिडेंटली ये बोलेंगे कि वर्क करता है, आप कीजिए देखिए वो लोग वर्क करेंगे कौन रिजल्ट आएगा। और एक चीज तो हमारे पास भी हम खुद स्कूल के टीचर है तो हम खुद जाके अप्लाई करेंगे खुद एक्साइटमेंट के साथ हम स्कूल में जाएंगे, हमारे जो टीचर्स उनको भी देखिए भाई आप क्या ऐसा लेकर आ गए भाई कि आपके अंदर इतना एक्साइटमेंट है। वो एक्साइटमेंट देखिए विदाउट एक्साइटमेंट कोई कुछ भी चीज का क्रिएशन दुनिया में नहीं होता है, विदाउट एक्साइटमेंट नथिंग इज क्रिएटेड। अगर हम एक्साइटमेंट जाएंगे सुस्त हो गया अरे 100 दिन ट्रेनिंग से लो ठीक हो लो तो अरे बरसा में गेजे थी टाइटनेस हो गई थी की कोर को हमरा वो तो ऐसे चलो और कौन एनजीओ से के ऐसे चलो की कोर ऐसे लो ऐसा वैसे। अगर ये जाकर हम वहां पर रिएक्ट करेंगे हाउ विल दे टेक, लेकिन अगर वो हम जाएंगे कि वी हैव टेकन समथिंग टू प्रोवाइड ऑल द टीचर्स, हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि अपने देश को विकास की ओर लेके जा सके। हम प्रधानमंत्री को गाली देते हैं मनमोहन सिंह कुछ नहीं किया, अरे नरेंद्र मोदी आए कुछ नहीं होगा, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमारा क्लासरूम हमारा स्कूल ही हमारा देश है और उस देश का प्रधानमंत्री मैं खुद हूँ तो क्या मैं उस देश उस स्कूल की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती है। हम प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं इसका मतलब हम अपने आप को भी गाली दे सकते हैं। अगर मेरा स्कूल का बच्चा क्लास टू से थ्री में जा रहा है वो कुछ नहीं सीख रहा है तो उसका सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। और इसे याद रखिएगा अगर मैं अपने कर्म के साथ गद्दारी कर रहा हूँ भगवान हमको कभी नहीं माफ करेगा।
बन जाए, इंजीनियर बन जाए, क्या गरीब का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है क्या? नहीं बना सकते उसको हम। आज सोचिए हमारा पढ़ाई हुआ बच्चा पहला डॉक्टर बन जाए कितना प्राउड फील होगा। कल का हमारा ही पढ़ाई हुआ बच्चा अगर एंटी सोशल एलिमेंट बनेगा उसके लिए भी मैं उत्तरदायी हूँ। ये चीज हमको सोचना जरूरी है, एक कैसे करेंगे, क्या पहले बोलेंगे, क्या बाद में बोलेंगे, आधा घंटा का लंच देंगे, दो घंटे उसको काम करने देंगे, सब तो मैटर नहीं है। लेकिन अगर हम ये जाएंगे कि क्यों इसको हमको आगे बढ़ाना है, इसका उद्देश्य क्या है, अगर ये पर्पस क्लियर होगा ना, आप देखिएगा कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होगा। लोग कह रहे हैं कि आपको पेज नंबर बताइए कितना पेज पढ़ाना है, हमको बताना पड़ेगा कि क्या पढ़ाना है। हम तो टीचर है, हम लोग छह दिन क्या किए यहाँ पर? आप सोचिए हम लोग इधर ये सोचे कि जो टीचर वहां बैठे हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता, जीरो, जो यहाँ हमने ट्रेनिंग लिया है इसमें उनसे हम बहुत आगे हैं, तो हमसे कैसे जीत जाएंगे वो? हल्ला चल्ला कर रहे मारपीट कर रहे, क्या करेंगे वो? मार देंगे अब से अब क्या होगा? लेकिन मेरा उद्देश्य है ये देश बचना चाहिए, ये राज्य बचना चाहिए, हर बच्चा पढ़ना चाहिए, हर गरीब को पढ़ने का अधिकार है। अगर मैं ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखूंगा ना मुझे कोई नहीं हिला सकता है। प्राइमरी टीचर कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए तो, हर काम प्राइमरी टीचर को क्यों दिया जाता है? सब बोलते हैं कि हम लोग माने गधा के जैसा हम लोग को खटाया जाता है, क्योंकि प्राइमरी टीचर ही तो देश का भविष्य बनाता है। हाई टीचर क्या करता है? अगर फोर्थ तक अपने बच्चे को आप तैयार कर देते तो हाई टीचर होकर नहीं क्या जरूरत? तो सारा बेस तो हमारे हाथ में, फाउंडेशन ही हम ही देने वाले हैं। अगर हम फाउंडेशन ही ढंग का नहीं देंगे तो हाई स्कूल के टीचर को गाली देने को फायदा नहीं है। सारा काम हमसे ही शुरू होता है। अगर हम शुरू करेंगे अपने बच्चे के साथ खटेंगे, देखिए कौन डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कौन मैकेनिक बनेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। इसको अच्छा इंसान को बना सकते हैं, क्लास फोर तक अच्छा ज्ञान को दे सकते हैं, बस अपना जो फर्ज है उसको अगर हम करेंगे और उस गोल को सामने रखेंगे, देखिएगा कोई ऑब्स्टेकल सामने नहीं आएगा। Dream big, facts do not count. अगर आपका सपना बड़ा होगा कोई फैक्ट सामने नहीं आता है। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर दुनिया में लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, जहां पर एक आदमी कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ड्रीम को फोकस किया। फैक्ट डू नॉट काउंट। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? क्या लेकिन करोड़पति नहीं बन सकता हूँ? गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो इस अगर इस फैक्ट के साथ हम लोग जाएंगे देखिएगा वी विल गेट सक्सेस। और हमको ये करना है, ये बहुत ट्रेमेंडस प्रोग्राम है क्योंकि मैं खुद फील किया हूँ। स्कूल में पढ़ाते समय क्लास वन टू के बच्चों को कैसे टैकल करो कि ये बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाए। आज मुझे बहुत अच्छा चीज समझ में आया, थोड़ा समय ले रहा, माफी चाहता हूँ इसके लिए। एक चीज बहुत अच्छा समझ में आया, आपने तारे जमीन के जो मूवी देखा होगा उसमें डिस्लेक्सिया डिजीज के बारे में बताया गया, मैं उसकी तरफ मैं नहीं आना चाहता। उस मूवी में देखिएगा जो लड़का पढ़ना लिखना नहीं जानता था लेकिन उसको आमिर खान ने पहचाना कि उसको ड्राइंग के थ्रू। आज क्यों बोला जाता है कि चित्र आपको पिक्चर मेकिंग ड्राइंग पिक्चर इज आल्सो इन राइटिंग, आज मुझे समझ में आ रहा है। पहले मैं इसको मजाक समझता था। अगर हम रिसीविंग मोड में रहेंगे ना तो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव बीन गिवन हियर, लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसको हम जाके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत खुशी होगी जब इस चीज को मैं अप्लाई करूंगा, अपने बच्चे को बनते हुए देखूंगा, वो जो मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा वो किसी चीज से मिलने वाला। हम लोग बोलते हैं डीए दिल होना ठीक है, जोसेफ पेन है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट से फाइट है, बच्चे से हम ना फाइट करेंगे? हमारी लड़ाई सरकार से, हमारी लड़ाई बच्चे से नहीं, उसको तो हमको पूरा देना है। हमको कुछ मिले चाहे नहीं मिले, सेवा से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। हम लोग जब गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना वी आर नॉट डूइंग जॉब, वी आर डूइंग सर्विस। सर्विस और जॉब में बहुत बड़ा फर्क है। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं जॉब करते हैं, दे आर नॉट डूइंग सर्विस, बट जो गवर्नमेंट जॉब करते नेशन बिल्डर। हमको ये समझना पड़ेगा, एक पॉलिटिशियन की जवाबदेही होती है कि 5 सालों को सत्ता से हटा दिया जाता है, लेकिन एक टीचर की क्या जवाबदेही है? बताइए कब एक बच्चा वो क्लास 4 में से उठ के आगे स्कूल से जा रहा है उसको नाम लिखने नहीं आता है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या नौकरी नीचे देना चाहिए एक टीचर का? बताइए मैम, क्योंकि उसका तो भविष्य खराब हो, देश का फ्यूचर। बहुत सारे कंट्री में आप देखेंगे कि वो जो किसी को बच्चे का जन्म होता है उसको गवर्नमेंट अपने अंडरटेक कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि दिस इज द कंट्रीज प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है। तो देश का भविष्य है एक बच्चा, तो हमको वो माइंडसेट से लेना पड़ेगा। देखिएगा जो हम लोग करेंगे ना जाके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्या होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से विद एक्साइटमेंट वी विल गो देयर, ताकि सामने वाला टीचर भी देख के हड़क जाए कि बंदा क्या लेके आया वहां से। तब देखिए काम में मजा।
उसके बाद जो देखा जाएगा सब ऊपर वाले के हाथ में, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।